चलो उस मुझे मुस्तकबिल का तो पता नहीं कि हम साथ रहेंगे या नहीं। लेकिन एटलीस्ट इस पल जब हम साथ हैं तब तो मुझे अपना हाथ थामने की इजाजत दो। चलो ऑफिस। आपको क्या लगता है समर भाई, आप इस तरह यूं जोर जबरदस्ती करके असरा को मुझसे दूर रख पाएंगे? हाँ, क्योंकि उसे तुमसे खतरा है और मैं उस हर चीज से उसे दूर रखूं है जिससे उसे खतरा है। चैलेंज मुझे इश्क है चैलेंज को बूम करने से। आज जिस तरह आपकी बहन को आपकी आंखों के सामने से आपके अपने ही घर से लेके जा रहा हूं और आप कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक इसी तरह एक दिन आएगा जब आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर लूं ऐसे। और उस दिन भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आफ्टर ऑल कोर्ट के ऑर्डर्स क्या हुआ, गाना पसंद नहीं आया? मैंने रोमांटिक गाने सुनने छोड़ दिए। क्यों? रोमांटिक गाने तो तुम्हारे फेवरेट हुआ करते थे।
क्योंकि मोहब्बत इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है और यह हमारी दुनिया में कहीं नहीं। झूठ वो है जो इस वक्त तुम बोल रही हो। तुमने भी तो मोहब्बत की थी, तो क्या तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिली? नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं मिली। कभी नहीं मिली। तुझसे अब मेरा दिल भर चुका है। ऐसी डिप्रेसिंग बातें मत करो सर। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने कभी नहीं दूंगा। जब करीब थी तो कभी दिल के पास नहीं आने दी। अब दूर हूं तो पास आने की जिद क्यों? बस हो गई ना गलती, अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं मैं। ऐसा गलतियों को माफ करके ही जिंदगी को आगे बढ़ाया जाता है। इस तरह खामोश मत रहो, प्लीज कुछ बोलो, इस मुलाकात का मतलब समझो। अदालत ने हमें मौका दिया, हम एक दूसरे से बात करके हमारे दिल के बीच में जो गिरे हैं उन्हें सुलझा सके। ये गिरे नहीं है, जाल है, बेरुखी का, बेजारी का। पर इसे काटा नहीं जा सकता। ये तुम कह सकती हो, मैं नहीं। कोशिश करूंगा, हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि हमारी जिंदगी मामूल पर आ जाए। अच्छा, ये कैसी मोहब्बत है? बीच रास्ते में मुझे छोड़ के जा रहे हो? कम से कम अपने लफ्जों की कलम बचाओ। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं अपने दिल के दरवाजे बंद कर चुकी हूँ। तुमने दिल के दरवाजे बंद कर लिए ना, लेकिन मैं दस्तक दे रहा। जब तक तुम चौंकी रहोगी मेरी मंतजर रहो। हार नहीं मानूंगा। मुझे बातों में मत उलझाएं। मैं तो बस मोहब्बत में उलझा रहा हूँ। कौन सी मोहब्बत, और अब क्यों? आप तो बेजार थे ना मुझसे, तो अब भी बेजार ही रहे। अगर मैं बेजार होता तो मैं अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए कितनी एफर्ट्स करता। थिंक अबाउट इट।